गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एम एस अली एंड यू आर वॉचिंग मिरेकलोनी क्लासेस। आज जो वीडियो ले आया हूँ आपके लिए मैं, वो दो तीन दिन पहले मैंने अपलोड की थी, लेकिन वो वीडियो बहुत सारे विद्यार्थियों के मोबाइल में या बहुत सारे लोगों के मोबाइल में वो वीडियो नहीं चल पा रही है, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को फिर से अपलोड कर दूँ और फिर से आपको दे सकूँ। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा कि ऐसा होने का एक कारण है कि मेरी वीडियो पर एज रिस्ट्रिक्शन मोर लग गया है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ़ द पीपल अपने फ़ोन में जब मेरी वीडियो प्ले करते हैं तो वो प्ले नहीं हो पाती है। वैसे विद्यार्थियों और वैसे लोगों के फ़ोन में जिनकी आईडी 18 अंडर हो, यानी जिनकी आईडी 18 से कम में बनाई गई हो, है ना, उनमें मेरी बहुत सारी वीडियोज़ नहीं चल पाती है। सो अगर आप चाहते हो कि मेरी हर वीडियो आप देख सको, तो आप कुछ दिन के लिए अपनी आईडी को बढ़ा लो, 20, 25, 30 ऐसे कुछ एज कर लो, और मैं जल्द ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं। मैंने तो बड़ी कोशिश की लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रही है, लेकिन इंशाल्लाह तुरंत हो जाएगी। ओके, अब वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की जो वीडियो है आपके लिए वो है फ्रेजेस पर बेसिस, यानी कुछ ऐसे फ्रेजेस लेकर के आया हूँ आपके लिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपके डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उन फ्रेजेस का इस्तेमाल जब आप करोगे ना अपनी लैंग्वेज में, तो आपकी लैंग्वेज में चार चांद लग जाएंगे, आपकी लैंग्वेज काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाएगी, काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी। और जब कभी भी आप इस प्रकार के शब्दों का यूज़ करोगे अपनी लैंग्वेज में, वो आपकी लैंग्वेज हिंदी हो, भोजपुरी हो, या कोई भी लैंग्वेज हो, आप उन भाषाओं को और भी ब्यूटीफुल बना दोगे, और भी आकर्षक बना दोगे। तो देखते हैं कि आज के जो फ्रेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। वैसे उस वीडियो को जो मैंने अपलोड की थी उसमें जो फ्रेजेस थे, है ना, और इसमें जो फ्रेजेस हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है कि उसमें जो फ्रेजेस मैंने तीन चार नहीं बताए थे, इसमें मैंने कुछ नया कर दिखाया है, ताकि जिन लोगों ने मेरी वीडियो ऑलरेडी देख रखी है वो वाली, है ना, उनको ये ना लगे कि ये तो मैं देख चुका हूँ, इसमें भी आपको तीन चार नए फ्रेजेस मिल जाएंगे। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग का मतलब है ना लायक। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो फ्रेजेस होते हैं ना, एडियम्स होते हैं, प्रोवर्ब्स जो होते हैं ना, उसकी हिंदी आप पहले जैसी निकालोगे ना तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ बना देता है 90%। सिर्फ 10% की ही मैचिंग होती है, इसलिए आप इनकी जो पहले से हिंदी है, है ना, उसके नज़रिए से या उसकी दृष्टि से आप सोचोगे तो फिर आपका सारा का सारा अर्थ खराब जाने वाला है 90% तक। जैसे कि देखो, यहाँ पर गुड मीन्स होता है अच्छा, फॉर मीन्स होता है के लिए, और नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं, यानी अच्छा के लिए कुछ नहीं, ऐसी हिंदी निकल रही है, अच्छा के लिए कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ना लायक। देखो, अच्छा के लिए कुछ नहीं और ना लायक, कितना फ़र्क है ना। इसलिए आप आगे से, यानी आप नेक्स्ट टाइम से कभी भी कोई वर्ड देखना, कोई फ्रेज देखना, तो ये मत समझना कि इसकी हिंदी जो हमने पहले याद कर रखी थी, इसकी जो एक्चुअल हिंदी थी वो भी, मतलब वही हिंदी इसमें भी आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शनिंग है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आप फ्रेजेस को ऐसे समझने की गलती नहीं करना। ओके, तो गुड फॉर नथिंग का मतलब है नालायक। नालायक कहने का मतलब है वैसा व्यक्ति, है ना, जिसका कोई काम धंधा नहीं हो, ऐसे ही फालतू में घूमता हो, फिरता हो, है ना, और ऐसे ही पढ़ाई भी ठीक से नहीं करता हो, काम धंधे भी उसके पास नहीं हो, बस आवारागर्दी करता हो, उसे हम नालायक कहते हैं। तो इस पर आप सेंटेंस बना सकते हो कि ही इज़ गुड फॉर नथिंग, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, यानी वह नालायक है। किसी आप फीमेल को कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो शी इज़ गुड फॉर नथिंग, या फिर और भी किसी का नाम लेकर के कहना चाहते हो तो कह सकते हो डॉट डॉट इज़ गुड फॉर नथिंग, यानी वो नालायक है। तो नालायक शब्द के लिए आप फ्रेज का इस्तेमाल करोगे गुड फॉर नथिंग का। नंबर टू, शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है कम समय तक चलने वाला। कोई भी चीज़, मान लो कि आपने कोई चप्पल खरीदी, आपने कोई जूता खरीदा, आपने कोई कपड़ा खरीदा, और वो कम समय तक ही चलने वाला हो, तो आप कह सकते हो ये तो शॉर्ट लिव्ड है। जैसे कि मैंने एक चप्पल खरीदी, है ना, किसी मेरे दोस्त ने वो चप्पल देखी, बोला कि यार चप्पल तुम्हारी तो अच्छी है। मैंने बोला कि अच्छी तो देखने में लग रही है लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड है, यानी दिस सैंडल इज शॉर्ट लिव्ड, या दिस फुटवेयर इज शॉर्ट लिव्ड, या दिस स्लीपर इज शॉर्ट लिव्ड। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चप्पल देखने में ठीक तो है लेकिन इसकी जो लास्टिंग है वो बहुत कम होने वाली है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो कम समय तक चले, उसकी लास्टिंग कम हो, तो आप वहाँ पर शॉर्ट लिव्ड का इस्तेमाल करोगे। नंबर थ्री, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है स्वार्थी या खुदगर्ज। आप स्वार्थी कहते हो तो हिंदी में कहते हो, लेकिन अगर खुदगर्ज कहते हो तो उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कहते हो, दोनों एक ही है, खुदगर्ज कहो या स्वार्थी कहो। ओके, इसकी फ्रेज है सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड, जैसे कि आप सेंटेंस बना सकते हो, है ना, कि सोनू एक खुदगर्ज इंसान है,
सोनू जिसका नाम होगा, बुरा मत मानना भाई अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो, ओके, सोनू एक खुदगर्ज इंसान है। तो आप बोलोगे सोनू इज ए सेल्फ सेंटर्ड मैन या सोनू इज ए सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, एंड और भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस रख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेज है वो है एम्प्टी हैंडेड। एम्प्टी हैंडेड का मतलब है खाली हाथ। जैसे कि आपको कोई सेंटेंस कहना हो कि वह खाली हाथ आ गया, तो आप कहोगे ही केम हेयर या फिर ही केम एम्प्टी हैंडेड। हम लोग खाली हाथ गए, वी वेंट एम्प्टी हैंडेड। तो इस प्रकार से खाली हाथ के सेंस में आप एम्प्टी हैंडेड का इस्तेमाल करोगे। और यहाँ पर एम्प्टी हैंडेड अपने एक्चुअल अर्थ को ही दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो फ्रेजेज होते हैं वो 90% अपने एक्चुअल अर्थ से दूर भाग जाते हैं, लेकिन 10% वो नहीं भागते, वो वैसे ही अर्थ देते हैं। जैसे कि एम्प्टी मीन्स खाली तो होता है, और हैंडेड यानी हैंड से हैंडेड आया है हाथ, तो यहाँ पर इसका एक्चुअल अर्थ दिया है। ये वाला भी एक्चुअल अर्थ को दिया है, ओके, होम मेड। होम मेड का मतलब होता है घर का बना हुआ, यानी कोई भी चीज़, खाने पीने वाली चीज़ हो, पहनने वाली चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, जो आपके घर पे बना हो, आप कह सकते हो कि ये होम मेड है। जैसे कि मैं स्कूल गया, है ना, मैंने टिफ़िन लिया, ओके, जब टिफ़िन का समय हुआ मैंने शुरुआत की, मेरे दोस्त ने पूछा भाई खरीद कर, यानी किसी दुकान से लेकर खा रहे हो या होम मेड है ना, या फिर घर का बना हुआ है? तो मैं बोलूँगा नो, दिस फूड इज़ होम मेड, यानी दिस ब्रेकफास्ट इज़ होम मेड, दिस लंच इज़ होम मेड। जो भी होगा उसे हम होममेड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर भी होममेड एक एक्चुअल अर्थ को ही दे रहा है, यानी घर का बना हुआ, होम मीन्स घर और मेड यानी बना हुआ, तो घर का बना हुआ कोई भी चीज़ हो आप उसको होममेड कहोगे। ये जो नेवर एंडिंग है ना, नेवर एंडिंग, ये भी एक्चुअल अर्थ को ही देता है। यानी इस वीडियो में हमने अधिकांश जो वर्ड्स आपको दिए हैं ना वो एक्चुअल अर्थ को व्यक्त करने वाले हैं, नहीं तो ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं, जो फ्रेजेज होते हैं, वो अपने एक्चुअल अर्थ को एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन इनमें अधिकांश वर्ड आपको एक्चुअल अर्थ वाले ही मिल रहे हैं, ओके। तो नेवर एंडिंग का मतलब है कभी ना ख़त्म होने वाला, यानी जो कभी ख़त्म हो ही नहीं, कोई भी चीज़ हो जो कभी ख़त्म ना हो, आप वहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। और आप बहुत सारे सेंटेंसेज भी रख सकते हो, जैसे कि शिक्षा कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, तो आप कह सकते हो एजुकेशन इज़ नेवर एंडिंग, ओके, नॉलेज इज़ नेवर एंडिंग। इस प्रकार से जो चीज़ भी जो ख़त्म नहीं होने वाली हो, आप वहाँ पर नेवर एंडिंग का इस्तेमाल करोगे और अपने सेंटेंस में चार चांद लगा दोगे। नेक्स्ट है माउथ वाटरिंग। माउथ वाटरिंग का मतलब होता है जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाए, जैसे कि पीकल इज़ ए माउथ वाटरिंग थिंग या पीकल इज़ ए माउथ वाटरिंग फूड आइटम्स। इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि अचार एक ऐसी फूड आइटम है जिसे देखकर मुंह में तो पानी आ ही जाता है, या कोई ऐसी स्वादिष्ट भोजन या फूड आइटम्स है ना जो काफ़ी सुगंधित हो, काफ़ी अच्छी सुगंध आ रही हो, तो देखने के बाद तो मुंह से पानी आ ही जाते हैं। सो आप कोई ऐसी खाना, कोई ऐसी चीज़ खाने वाली, पीने वाली, जो भी हो, आई थिंक अगर उसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता हो तो आप उस चीज़ को कह सकते हो ये माउथ वाटरिंग है, यानी इसको देखकर मुंह में पानी आ जाता है। नेक्स्ट है बेड रिडन या बेड राइडन। तो बेड रिडन या बेड राइडन का मतलब है बहुत बीमार, यानी वो व्यक्ति जो कहने का मतलब हो काफ़ी बीमार हो, चल फिर भी नहीं पा रहा हो, बेड पे ही सोए सोए अपने दिन को काट रहा हो, वैसे व्यक्तियों के लिए आप बेड रिडन का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि माई ग्रैंड मदर इज़ बेड रिडन, ओके, मेरी दादी माँ बहुत बीमार है, या फिर योर ग्रैंड फादर इज़ बेड रिडन, तुम्हारे दादाजी काफ़ी बीमार हैं या बहुत बीमार हैं। इस प्रकार से आप हज़ारों सेंटेंसेस को बना सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो बेड रिडन का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है हमारा फ्रेज बैड स्मेलिंग। बैड स्मेलिंग का मतलब है बदबूदार, यानी दुर्गंध से भरा हुआ, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बदबू आ रही हो, जिससे दुर्गंध आ रहा हो, आप वहाँ पर कह सकते हो बैड स्मेलिंग। जैसे कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादातर कचरा, रब्बिश इत्यादि फेंका जाता हो, जैसे आप वहाँ पर पहुँचते हो, है ना, आप अपने नाक को मूंद करके, है ना, भागते हो वहाँ से या तुरंत निकलते हो, तो आप वहाँ पर कह सकते हो दिस प्लेस इज़ बैड स्मेलिंग, दिस प्लेस इज़ बैड स्मेलिंग। या आप और भी बहुत सारी चीज़ों को कह सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नाम लेकर के आप बोल सकते हो डॉट डॉट इज़ बैड स्मेलिंग। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा ग्रे हेयर्ड। ग्रे हेयर्ड का मतलब है सफ़ेद बालों वाला। अक्सर आप ब्रिटेन जाओगे या इंग्लैंड जाओगे, है ना, या कुछ और भी कंट्रीज़ है जहाँ के लोगों के बाल सफ़ेद हुआ करते हैं, है ना, उनकी वही पैदाइश होती है, उसी प्रकार की पैदाइश होती है, उसी प्रकार का जन्म होता है, खुदा की वही देन है जो उनके बाल सफ़ेद होते हैं, तो वैसे लोगों को आप कह सकते हो कि डैट मैन इज़ ग्रे हेयर्ड या फिर डैट मैन हैज़ ग्रे हेयर्ड,
है ना, उस व्यक्ति के बाल सफ़ेद है। या फिर हमारे इंडिया यानी हमारे भारत में ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, है ना, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम से या आंतरिक कोई ट्रबल आ जाने से उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो आप वहाँ भी कह सकते हो ही इज़ अ ग्रे हेयर्ड मैन या ही इज़ अ ग्रे हेयर्ड पर्सन। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला है और अंतिम वाला जो हमारा फ्रेज है वो है माउथ ब्रेकिंग। माउथ ब्रेकिंग का मतलब है मुँह तोड़, कोई भी चीज़ खासकर मुँह तोड़ के रूप में तो जवाब ही आता है, जैसे कि ही गेव मी माउथ ब्रेकिंग आंसर या ही गेव मी माउथ ब्रेकिंग रिप्लाई। इसका मतलब है कि उसने मुझे मुँह तोड़ जवाब दिया। तो इस प्रकार से मुँह तोड़ जवाब के लिए माउथ ब्रेकिंग रिप्लाई या आंसर या फिर आप रिस्पॉन्स कुछ भी लगा देना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ भी कैसे लगाओगे, सिचुएशन जैसी होगी वैसा हम करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को पहचाना, सिर्फ आप ही नहीं, कोशिश करो कि जो हम जान जाएँ या फिर जो नॉलेज हमें हो जाए वही नॉलेज हम किसी दूसरे को भी बांटें, क्योंकि हम जितना बांटेंगे उतना ही हमारे अंदर डेवलपमेंट आएगी, नॉलेज को लेकर के इंक्रीजिंग आएगी। तो देर न करते हुए आप इस वीडियो को कम से कम तो 10-12 लोगों तक ज़रूर शेयर करना, और आपके पास टाइम हो तो जितने भी आपके व्हाट्सएप में नंबर होंगे, जितने भी ग्रुप होंगे, उन सब में आप शेयर करने की कोशिश करना। ये मेरी गुजारिश है आपसे, लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं आपको नहीं फोर्स कर रहा, बट शेयर ज़रूर करना एंड कॉमेंट में बताना कि ये वर्ड्स आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।